तो यो मेरे जिगर के चलो, कैसे आप सब? और आप देख रहे हैं आपका अपना गौरव जोन। तो मैंने जिम जाना चालू कर दिया है, आज मेरा है दूसरा डे और मैं जिम से आ गया हूँ। और शेकर पी रहे अपन डॉलर। मैं एनी टाइम फिटनेस, क्योंकि मेरा कभी भी लेट आता तो एनी टाइम फिटनेस क्या है, 2400 घंटे खुला रहता। उसमें मैंने अभी प्रण लिया है कि मैं अभी ये पेट वेट अंदर करूंगा और ढंग से मैं दिल लगा के वर्कआउट करूंगा और एब्स निकालना है और इस बार ही प्रॉपर ढंग से बॉडी बनानी है मेरे को। क्या होगा जी? हाँ पक्का डेली जाएंगे। तू महीना चलेगा ना भाई? डाइट मेरी तू बनाएगा? जी भाई पक्का। जिम का खाना सारा बनाऊंगा भाई। छह महीना चलेगा ना? हाँ। आगे करते हैं, बॉडी बहुत मस्त बन जाएगी भाई, फिट आ जाएगी बॉडी में। तो अब हम दोनों मिलके मेरी बॉडी पे साथ मेहनत करेंगे और वर्कआउट करेंगे। राजू डाइट बनाएगा और आज मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया प्लान है। मैं अपन करने वाले हैं डैडी को सरप्राइज। ये वाली गुड न्यूज अपन अक्षत जोन को भी देते हैं। अक्षत जोन, मैं डैडी के लिए आईपैड लेने जा रहा हूँ। डैडी को आईपैड गिफ्ट करूंगा आज मैं। मेरे को भी चाहिए भाई, मेरी गलत बात है, मेरे को भी चाहिए आईपैड। गांव बसाने भिखारी पहले आ गए। तो अपन चलते हैं, आकाश आ रहा है फटाफट। मेरा डोलू नहा रहा है, सो रहा है मेरा बेटा। मैं जब भी घर से बाहर रहता हूँ, मतलब मोस्टली मैं घर से बाहर ही रहता हूँ, तो मेरे को इसकी बड़ी याद आती है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो मैंने इसको एक पेंडेंट दिलाया था, ये रोलेक्स का असली डायमंड का ये वाला पेंडेंट दिलाया था। तो मैंने कहा इसको मैं पहले, देखो इसको मैं पहना नहीं सकता क्योंकि पेंडेंट तो गायब हो गई होगा, डॉलर भी साथ में गायब हो जाएगा। तो इसको मैं पहन लेता हूँ क्योंकि जब भी मैं बाहर जाऊँगा इसको देख के हमेशा ऐसा लगेगा कि डॉलर मेरे साथ है। तो इसलिए मैंने इसको निकाल लिया, यूज़ कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं डॉलर के साथ रहूँ हमेशा, डॉलर की याद रहे मेरे को, है ना डॉलर? एक बार कमेंट करके बताओ ये आपको रोलेक्स का कैसा लग रहा है। और अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है, इसके मैंने जन्मदिन पे ही इसको गिफ्ट दिया था, तो वो वाला व्लॉग जरूर चेक करना, बहुत ऑसम था वो वाला व्लॉग। चले भाई, चलो भाई आजा, लाल मिर्च खा ले। अब ये काली मिर्च लाल हो गई है, खा लो पागल, उस दिन खाई थी ना। एक और खा ले यार। ओ भाई दस्त लग गए थे उस दिन। अभी अपन चलते हैं शशांक भाई के, वो आ गए ऑफिस। हम दो दिन से वेट कर रहे हैं ऑफिस में बिजी हैं। तो अभी हम फटाफट भाग रहे हैं क्योंकि वो निकल ना जाए, उनका फोन आया कि भाई मैं फटाफट निकलने वाला हूँ, जल्दी आ रहा है तो आ जा। तो इस वाले ब्लॉग का मेरे को बहुत इंतजार था आईपैड लेने के लिए। मैंने अपने 3 महीने सेविंग करी तब जाके मैंने पैसे जोड़ पाया आईपैड लेने के। वो वैसे भी इतना बहुत महंगा आता है, ये है कि नहीं? बट मेरे पापा को बहुत ज़रूरत भी थी आईपैड की, वो ऑफिस जाते हैं ना, उन पे लैपटॉप है ना कुछ है बेचारों पे, तो मैंने कहा आईपैड देता हूँ मैं उन्हें। आ गया शशांक के घर। ₹50 कट ओवर एक्टिंग के वजह से भाई साहब इसका स्टैंड कमजोर हो गया, मैं पत्थर लगा रहा हूँ इसके नीचे, इसका स्टैंड है ना कमजोर हो गया मेरी तरह। तुमने भी पत्थर की जरूरत, तुम्हें भी पत्थर की जरूरत है क्या? पत्थर पे ठीक लगा है, देखियो रे गिरेगी तो नहीं? आवाज आ जाएगी, गिरेगी तो कोई बात नहीं, कोई ना खड़ी रहने दो, गिरेगी तो और कंटेंट मिलेगा। इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स है, कहाँ है ओनर, कहाँ है ये BMW वाला ओनर, कहाँ है इसके घर छापा पड़ेगा, ये BMW वाला ओनर कहाँ है, नहीं पता? आओ किसी है, हमें कोई बुलाएगा, हम छापा मारने वाले हैं। चलो सब सब चलो इसी बैग में लग के आएंगे काला दिन। उस बंदे की लिटरली फटेगी। सर आप सर ने बुलाया? सर ने बुलाया, तुरंत फोन ही करेगा। तो गाइस मेरे पास इसकी चाबी है रियो की, रियो अंदर आ जा, सेट सेट सेट, शेक हैंड शेक हैंड मेरी जान। तो ये सेट 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 सेट, तो ये शशांक भाई का डॉगी है, बहुत नॉटी है पहले से। हेलो ओहो मेरे भाई, तो गाइस जितने भी डॉग्स होते हैं अपनी ट्रीट के लिए इतने पागल हो जाते। तो अभी अपन आ गए हैं, तो अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा इस वाले रूम में हमने काफी पार्टी करी है, आज रात को 2-2 बजे तक पार्टी करते हैं, काफी मजा करते हैं शशांक भाई के साथ। तो शशांक भाई कहाँ रह गए, वो आ गए। व्हाट्स अप ब्रो, व्हाट्स अप, क्या हाल है, लिया है फाइनली? ओए आईपैड प्रो, ये आईपैड प्रो बेसिकली मैं लेके तो आ गया था, बट मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था
बिकॉज स्क्रीन बहुत बड़ी है, आईपैड इज अ गुड थिंग बट स्क्रीन इतनी बड़ी है कि मेरे कॉल ऑफ ड्यूटी भी नहीं काम आता। तो गौरव मैं इसको ले आया था दुबई से। क्या बात, दुबई में तो मजा आया एक दिन। अबे ये इंडिया में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। ये तो हबीबी वाली बात है। हबीबी हबीबी दुबई का आईपैड चलाएगी अपा। तो बेसिकली दुबई में मैंने चार्ज करा एक बार, हाँ, गेम डाउनलोड करा, गेम खेला, हाँ, और लगा बहुत बड़ा। दूसरी बारी मैंने चार्ज करा सोच करके शायद अब अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। फिर मैंने चार्ज करा 3 महीने बाद, हाँ, फिर मैंने खेला, फिर बड़ा लगा। तो इसलिए मैं तेरे को दे दूँ। अब तीसरी बारी चार्ज करा, तीसरी बार तेरे को देने के लिए चार्ज करा। और इसका फोलियो केस, हाँ, तो मैंने अभी तक खोला भी नहीं। क्या ब्रांड न्यू, मेरे को बहुत अच्छी डील मिल गई, इसलिए मैं नया भी ले सकता था, ऐसा नहीं है, बट मेरे थोड़े पैसे बच गए, उस पैसे को मैं कहीं जगह इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अपनी माँ के लिए, अपने गरीब खानदान के लिए मैं साड़ी ला सकता हूँ, माँ के लिए, बाप के लिए एक जोड़ी कपड़े ला सकता हूँ। गरीब खानदान देखो, गरीब खानदान, अरे ये भी डॉलर का पहना हुआ, ऐसा गरीब खानदान देखो यार। अभी इसको अपन हाथ से अपने अनबॉक्स करते हैं और दिखाता हूँ क्या है ये, पहले मैं देखूँ। वाओ भाई, तुमने टेम्पर्ड भी लगा रखा है। वाओ यार, ऐसा बंदा भगवान हर किसी को दे। तो ये है आईपैड अपना, और ये है 11 इंच का गाइस, और इन्होंने पूरा चार्ज कर रखा है, काफी कूल लग रहा है ये देखो। ये अपना कीपैड है भाई, कीपैड तो भाई सील पैक पड़ा है बंदे का। वाओ, ये अपना निकल गया है कीपैड। हिंदुस्तानियों की प्रॉब्लम पता है क्या होती है, एक फोलियो केस को जिस पे एप्पल ने नाम रखने के लिए इतने दिमाग लगाए होंगे ना, ये जो ना आपके इंडियन यूट्यूबर सीधा उसको बोलता है कीपैड, गजब बेइज्जती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लगेगा कैसे सेटअप पूरा। तो इसको हम रखते हैं ऐसे, इसको उठाया, इसको घुमाया, इसको ऐसे लगाया, मैग्नेटिक है गाइस ये पूरा। अब बेसिकली अब मैं आपको इसके आईपैड से साइज कंपेयर कराऊंगा, जैसे आईपैड प्रो 11 इंच है, अब ये लिया है मिनी, और ये देखो इतना फर्क साइज है, ये देखो इतना बहुत फर्क है। तो ऐसे ऐसे दोस्त बनाओ अपने जो आपको हमेशा अच्छी राय दे। शशांक भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, अच्छी डील दे। तो अगली बार यार मैं तो कह रहा हूँ iPhone 13 लिया। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। The next day. तो अभी अपन निकल चुके हैं डैडी को सरप्राइज करने, और सबसे पहले मैं आकाश को उठा रहा हूँ। तो आकाश कह रहा है भाई मैं भी डैडी को शौक होते हुए देखना चाहता हूँ ना, ठीक है चल। तो पोटा कलेजी आ गया हमारा। हाँ भाई पोटा कलेजी। अच्छा तेरा नाम पोटा कलेजी रख दिया। बिग फैन। क्या हाल है? बिग फैन सर, बहुत बड़ा फैन सर। अच्छा सर एक सेल्फी तो ले लो। आ जाओ भाई इधर आओ, लेते हैं, बच्चे खुश हो गए आगे वाले। भाई इन पे फोन नहीं है तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना व्लॉग से, ठीक है? ठीक है चल। पोटा कलेजी खाओ। सूर्या जिसमें अपने को जाना है, डैडी ने मेरी जॉब चेंज कर दी है क्राउन प्लाजा से सूर्या में आगे, तो अभी चलते अपन। तो आज आकाश के साथ बड़ी भसड़ हो गई, आकाश का मूड ऑफ है। क्या हो गया, कितने की चपत लगी? 240 की। हुआ क्या है एक्चुअली, ये जो स्कैम इसके साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। ये क्या बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। हाँ जी नया ट्रेंड में स्कैम ये। क्या हुआ? मैं ये मेरे साथ भी हुआ था। एक बार मैं पहले गया था, हाँ, तो मेरे फास्टैग में पैसे पड़े हुए थे, हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले डाले थे 500 रूपए। तो हम मैं जैसे फास्टैग पे गया, हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना पागल बनाते हैं। इनकी टेक्निक देखो मैं समझाता हूँ, इनकी टेक्निक ऐसी है, ये बोलेंगे सर स्कैन नहीं हो रहा कैश दे दो, तो ये कैश ले लेंगे, और फिर जैसे आप टोल पार करोगे बोलते हैं कि है ही नहीं आपके फास्टैग में पैसे नहीं है। हाँ, तो ऐसे लोग जल्दी में चेक नहीं करते, निकाल के दे देते हैं। और लगता भी डबल है। तो ये आ गया अपन सूर्य होटल, इसी में पापा जॉब करते हैं। अपन होटल, नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं जी? बढ़िया। हाँ तो ऊपर चढ़ गया, आज स्टाफ कम आ रखा है, डैडी बता रहे थे मेरे को क्योंकि आज ईद है इस वजह से। अभी चलते हैं ऊपर, डैडी को फोन कर। होटल कितना प्यारा है नी। हेलो। हाँ कहाँ पे हो? ऑफिस में हूँ भाई, काम करते हैं हम तो। मैं भी आया हूँ, मैं सूर्य होटल में आया हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ। कहाँ हूँ? हमारे होटल में। हाँ लॉबी में आ जाओ भाई। तो अभी हम आ गए हैं अंदर, और कितना बढ़िया होटल है देखो भाई, आज बढ़िया लग रहा है यार। किसी की शादी चल रही है? कहाँ हो रही है यार, लड़कियाँ ही नहीं मिलती यार, मतलब लड़कियाँ नहीं एक लड़की नहीं मिलती। आगे डैडी आ गए। ओहो आगे सामने से आ गए। क्या हाल है? तो डैडी तो मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ फिर से। क्या लाया हो? तो अभी मैं कुछ खरीद के लाया हूँ आपके लिए, ये देखो। तो पहले गैस करो क्या ये? ये बाहर से ही गैस करो क्या लगता है? मिठाई है अंकल। मिठाई छोड़ के बोल रहा। मेरे को पता, ये बोले चोकोर सा, और ये घड़ी तो नहीं है। घड़ी इतने बड़े डब्बे में आती है घर, बट घड़ी चलो खोल के दिखाएं। मुझे लग रहा है नहीं, पहले गैस करने दो।
मुझे लग रहा है दूसरा मोबाइल है ये मोबाइल। चलो देखते हैं, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, जब बैठता हूँ ना ऐसे तो ये खींचता है, यहाँ पे बहुत दर्द है। तो अभी ये है। अच्छा। तो आपने गैस करा घड़ी या मोबाइल? शादी का कार्ड तो नहीं अंकल, तभी शादी कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हो सकता है कोई डायरी हो। ये मैं निकाला टुणू टुणू, तो ये है कीपैड। कीपैड? अच्छा, कीपैड है ये? हाँ। ये तो कंप्यूटर जैसा लग रहा है। नहीं नहीं, फोल्डिंग वाले में तो कीपैड तो इनबिल्ट ही होते हैं, मतलब स्क्रीन में ही होते हैं। ये पैड लग रहा है मेरे को। हाँ, आईपैड तो नहीं है कहीं? आईपैड जैसे ये कीपैड है, और अब आपने गैस करा है कि आईपैड हुआ, तो ये रहा आईपैड आपके लिए। ये तो बहुत बढ़िया भाई। तो अब डैडी पे पूरी एप्पल की सीरीज बन चुकी है। इस पर रख के खोलो आप डैडी। हाँ। ओह वाओ। ओह ये तो भाई बहुत ही सुंदर है। अब इसको निकालो। अरे ये ऑन करके लाया हूँ मैं। एक्चुअली क्या है, ये डैडी मैं नया नहीं लाया, एक मेरे को अच्छी डील मिल गई थी, तो दो तीन दिन चला हुआ है बस ये। भाई वाह, मैं सारी मेल इसी पर चेक कर लूंगा। ये आईपैड एक बारी खोल के तो देखो। ओह वाओ, इसको ऊपर करो। तो अभी कीपैड इसी में लगेगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे लगेगा कीपैड। मेरे को पता था आप काम करोगे तो साथ में कीपैड भी हो और अच्छी डील मिल रही, तो मैंने कीपैड भी ले लिया। तो ये मैग्नेटिक है डैडी, ठीक है? Okay. आपको बस ऐसे पीछे चिपकाना है, इसको आगे करके ऐसे यहाँ लगा लेना। अब ये बन गया आपका एक। हाँ, तो अब मैं YouTube मनी का हिसाब इस पर रख लूंगा। कीपैड है इसमें, बस माउस नहीं है, माउस आपको स्क्रीन पे ही टच वच करना पड़ेगा। दिखा रहे हैं अपने दोस्तों को आईपैड है। अच्छा, यहाँ के शेफ है। तो डैडी एकदम खुश हो गए, आईपैड दिखा रहे हैं, देखो आईपैड दिया। कैमरा भी अच्छा है। हाँ, तो लोगों को पसंद आए, मेरे को खुशी है। फोटो आ गई है, पहली फोटो है। हाँ, मैं भी आता हूँ, पूरे होटल घूमते और दिखाता हूँ आपको कैसा है। We were together in Crown Taja Gator Noida. Younger brother, not a friend. Pre-opening team. Okay. And I am not in my uniform. He respect a lot. He feels proud to become a, you know, part of. Naam likha hua na sabka. Dekha aapne? Sudhanshu. Sudhanshu Sharma. Aise meri bhi hai. Acha. Aapki bhi aapne nahi pehni? Aaj Eid thi na. Acha. Aaj Eid thi. Abhi thanks bol ke bhejo mat mere ko. Essence. आ सकते हो अपना लंच डिनर यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, ये पूरा लॉबी एरिया है, काफी कूल है ये भी। तो अभी कहाँ चल रहे अपन? अभी मैं बार दिखाता हूँ, एटीएम बार। ये गाइस एटीएम बार है, जाम के यहाँ पे लाइव सिंगिंग होता है। हाँ, लाइव सिंगिंग एरिया ये यहाँ पे, ये देखा बढ़िया ना यार। देखा गा दोगे जाके? कुछ गा दे यार। कुछ गा के सुना दे, कुछ तो गा दे। अरे यार, अभी यार भीड़ लग जाएगी ना। आर यू कॉमेडी मी? सो नाउ वी विल गो ऑन अ टॉप क्लास रेस्टोरेंट, सैम्पेन। सैम्पेन 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 ये इट्स अ। और अभी हमने वहाँ पे नया मेन्यू लॉन्च किया है। ऐसा क्या है जो यूनिक है? वो वहाँ पे जो हमने अभी डिशेस लॉन्च किए हैं बहुत डिफरेंट है, और नया क्रॉकरी है। पूरा सूर्य में टोटल 7 गेस्ट हो रहे हैं हमारे पास में। हाँ, और उसके ऊपर हमारा एक टेरिस का रेस्टोरेंट है सैम्पेन। अच्छा, उसके नीचे फिर लॉबी है, बैंक्वेट्स हैं। अच्छा अच्छा, फिर हमारे पास में ना एक बहुत ही ओल्ड काइंड ऑफ ना मीना बाजार होते थे ना पहले, शॉपिंग आर्केड है। स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, लॉट ऑफ फैसिलिटीज भी है। तो गाइस हम संपान आ गए हैं, और यहाँ पे मैं आया भी हूँ डिनर करने। आता जा रहा हूँ। दिवाली दिवाली वाले रील भी काफी बनी है, काफी अच्छा है। रात को भी और अच्छा होता है जब लाइट चलता है, बाहर थोड़ा डार्क होता है। इधर ना इफ यू सी, ये पूरा नोएडा है। अच्छा ठीक है ना। अच्छा, सामने पूरा मैं आऊँ ना, काफी रात को यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है।
प्राइवेट डाइनिंग रूम है वहाँ पे, अगर किसी को पार्टी करनी होगी ना। हाँ चलो बढ़िया, काफ़ी अच्छा लग। अच्छा यहाँ भी लाइट लाइव म्यूजिक चलता है वहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी लाइव म्यूजिक है। कौन है? तो अभी गाइज आपको यहाँ का बैंकेट दिखाता हूँ। बढ़िया भाई, काफ़ी बड़ा है ये, शादी वादी का करवाने के लिए बढ़िया। आकाश तेरी शादी में यहाँ करवा सकता हूँ, अच्छा खासा क्राउड आ जाएगा यहाँ पे। सोते होंगे यहाँ अभी, है ना। तो होटल तो बहुत अच्छा लगा भाई, मेरे को दिल खुश हो गया मेरा। और आज तो किसी की शादी है भाई, नहीं जिसकी भी शादी है यहाँ पे उसको बेस्ट ऑफ लक। तो अभी चलते हैं अपन नीचे, तो अभी चलते हैं घर, और घर जाके मैं आपको कुछ बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। मेरे पे एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। आकाश डैडी करें, यहाँ पे BW क्लब है, बट उन्हें पता नहीं अपन हम रात को आते या डैडी को हम स्टोरी भी नहीं डालते। डैडी को पता नहीं हम क्लबिंग क्लबिंग करते, वरना कहेंगे बिगड़ गया हमारा लड़का। तो इसलिए मैंने ज़्यादा रिएक्शन भी नहीं दिया, एंट्री बंद करवा। चुपचाप आते ना, बेस बदल के आते हैं यहाँ पे, क्योंकि डैडी का सारा स्टाफ हमें जानता है। तो चुपचाप से आते, पार्टी पुट्टी करके निकल जाते, बट अब ये हमारा एक्सपोज हो गया क्योंकि वो व्लॉग देखेंगे सारे स्टाफ वाले भी। तब संभल के आना पड़ेगा, अब दूसरा क्लब जाना पड़ेगा हमें BW। अभी मैं आ गया हूँ ऑफिस और चल रही थी एडिटिंग, तो मैंने वो लगा कि ऑफिस में मैं काफी चेंजेस कराए, वो आपको बता देने चाहिए। कुछ लोग ऐड हो गए हैं हमारे ऑफिस में, हमारे बहुत बड़ी आर्मी है। डीकैथलॉन की टॉर्च लाओ। बहुत गंदा सीन हो चुका है, ये दिख रहा है छत्ता भाई, गुलाटी भाई। पंगे मत लेना ज्यादा इनसे, सुझा देंगे। तो एक्चुअली क्या है, मम्मी आज ही सफाई करके गई थी, और मम्मी जी ने गद्दा बाहर रखा था, और बारिश आई पूरी, और ये पूरा गद्दा पूरा गीला हो चुका है। ये देखो निचोड़ूंगा, ये देखो पानी निकल रहा है। तो कभी कभी मैं ऑफिस में सो जाता था, तो मैं सो भी नहीं पाऊंगा क्योंकि गद्दा पूरा गीला, कुछ बैठने का था नहीं, तो मैं ये लिया था बगल वाली छत से, तो इस पे बैठा था, एडिटिंग करा रहे थे। तो ये सब चेंजेस हैं, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। क्या भाई साहब क्या बोलते हो, क्या सब्सक्राइब कैसे करना है? टंग 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 सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने वाली बेल ऑप्शन दो, नोटिफिकेशन आई जब भी मैं न्यू व्लॉग डालूं। तो नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय।